खबर वैशाली के तिसियौता से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से आक्रोशित लोगों ने डबैत चौक पर सवरख सड़क जाम कर दिया और जमकर हंगामा करने लगे, जिस कारण हाजीपुर समस्तीपुर मार्ग पर वाहनों का परिचालन घंटों ठप रहा। वहीं इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूत्रों की माने तो प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मामले में पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन आक्रोशित लोगों का कहना है कि जो अपराधी हैं उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए नाकेबंदी की गई है और छापेमारी की जा रही है। घटना को लेकर पूर्व मंत्री और राजद नेता शिवचंद्र राम ने भी नीतीश सरकार पर जोरदार हमला किया है। अभी स्पष्ट हम जब कोई नहीं बता रहे हैं तभी स्पष्ट कैसे करें। माने क्या घटना क्या है, क्या किस तरह की घटना है ये बता। अब अज्ञात व्यक्ति था दो, कल शाम में 8:30 बजे घटना है, तो गोली मार के उसे दरवाजे पर भाग गया। किस जगह पर घटना घटना स्थल पर जो लड़का के घर के सामने कहाँ पे बोलता है गाँव। अब तक क्या हो रहा है प्रशासन के द्वारा, जहाँ जहाँ संदेह जो जो बता रहा है लोग कुल उस पर काम हो रहा है। सुनने में आ रहा है कि आक्रोश लोग जो हैं सड़क जाम किए हुए हैं, इस पे आप क्या कर रहे हैं? सर हो रहा है कार्रवाई जहाँ जहाँ संदेह। जाम क्यों, क्या क्या है जाम क्यों है? वही कि जो मतलब जो इसका गुनाहगार है उसको जितना जल्दी आप लोग पकड़ लीजिए। मैं तो नहीं, बिहार सरकार का कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है। अगर कानून व्यवस्था अगर इनकी सही अगर होती तो दिन दहाड़े रात नीलों में पातेपुर प्रखंड के नीलों नौजवान 22 साल का नौजवान अपने घर में सोए रहता है, उसको बजावते बुलाता है और बुला कर करके उसको बजावते सीने में गोली मार देता है। और अभी तक प्रशासन जो है कि अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर सका, कोई खोजबीन नहीं कर सका। तो ये निश्चित रूप से बिहार सरकार का कानून व्यवस्था लचर पचर है, जिसके कारण आम लोगों को जीना मुहाल हो गया है। मैं लगातार बोलता हूँ कि पशुओं की जिंदगी की ये गारंटी है, लेकिन मनुष्य के जीवन जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। इनके शासनकाल में कहीं भी अमन चैन नहीं है, कोई ऐसे जिला नहीं है कि जिस जिला में प्रत्येक दिन लूट हत्या बलात्कार गैंगरेप का फर्क नहीं होता, डकैती चोरी बैंक डकैती ये स्थिति आम बन गई है लोगों में। इसलिए मैं निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि वह नौजवान 22 साल का नौजवान जिसकी हत्या हुई है, इसके अभियुक्त को अतिशीघ्र जो है कि गिरफ्तार करें और कम से कम इनके परिजन को दुख की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर ताकत दे और इनके परिजन को 50 लाख रुपया सरकार कम से कम मुआवजा दे कि ताकि बूढ़े बाप माँ का सहारा बन सके। ये हमारा